हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, टेक्स्ट वेरिएबल के बारे में बता रहा हूँ। इससे आप अपना काम बहुत ही आसान कर सकते हैं और मास्टर पेज में अपना एक कॉमन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं जो कि चैप्टर के अनुसार चेंज होता रहे। तो कैसे रखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टाइल दिखाता हूँ, मैंने स्टाइल कैसे बना रखा है। अब जैसे ये जो हेडर है, चैप्टर का नेम है, ये मैं चाह रहा हूँ कि हर चैप्टर में जो मास्टर पेज में अपने आप चेंज होता रहे। तो इसके लिए मैंने एक चैप्टर नेम का एक मैंने स्टाइल बना रखा है। यही स्टाइल मैंने हर चैप्टर नेम पे यूज कर रखा है। तो इसी चैप्टर का हम वेरिएबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मास्टर पेज पे जाना है। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हमने बना रखा है, इसी टेक्स्ट बॉक्स में हम वेरिएबल को डालेंगे जो कि वो चेंज होता रहेगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए करना ये है कि सबसे पहले आप जाएंगे टाइप में, इसके बाद इसमें जाएंगे टेक्स्ट वेरिएबल और डिफाइन। डिफाइन में जाएंगे तो यहाँ पे आप न्यू करेंगे। पहले मैंने एक बना रखा था तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ न्यू। न्यू पे क्लिक करेंगे, अब जो ये वेरिएबल लिखा हुआ है ये इस तरीके से लिखा हुआ है जो कि जैसे हम कोई नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो अनटाइटल करके आता है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे नाम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ चैप्टर नेम, ठीक है। अब नीचे जो टाइप है, एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान देना आपको, यहाँ पे ये सबसे नीचे वाला पैराग्राफ वाला आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि पैराग्राफ से हम वेरिएबल बना रहे हैं। तो रनिंग हेडर पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कैरेक्टर से बना रहे हो, जिससे बनाओगे वैसे आप इसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी आपको लास्ट वाला करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट करनी है जो जिस स्टाइल से डाटा उठाना है। जैसे हमने चैप्टर नेम वाला डाटा उठाना है तो चैप्टर नेम हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब ये सब एडवांस की चीज़ें हैं, कौन सा डाटा लेने से, इस पर ज़्यादा आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो ले सकते हो, जो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जैसे आपको अगर केस आपको चेंज करना है, अगर कोई चीज़ डिलीट करना है, अगर आगे पीछे का कोई, अगर हमने कॉलम लगा रखा है, अगर इसे पहले कुछ ऐड करना है उसके बाद कुछ ऐड करना है, ये सब कर सकते हो। तो इन सबको हम छोड़ देते हैं, इसको कर देते हैं ओके। अब हमारा ये क्या हो गया, वेरिएबल बन के तैयार हो गया। अब इसको डन कर देंगे। अब आते हैं टेक्स्ट फ्रेम में जिसमें हमें लिखना है। तो ये हमने मास्टर पेज में एक बना रखा है राइट साइड में टॉप पे। तो इसमें आपको आना है पहले टेक्स्ट फ्रेम के अंदर। आने के बाद आपको फिर टाइप में जाना है और टेक्स्ट वेरिएबल में जाके अब डिफाइन पर नहीं क्लिक करना, अब करना है आपको इंसर्ट वेरिएबल पे। जो हमने बनाया है वो यहाँ पे हाईलाइट होकर ऊपर आ गया है, तो इसमें हमें क्लिक करना है। ये देखिए आपका चैप्टर नेम करके वेरिएबल यहाँ पे आ गया। अब इसी को हम यहाँ पे राइट साइड में भी रख देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों साइड में आ जाए, ठीक है। अब आते हैं किसी पेज पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड चैप्टर नेम आ गया, यहाँ पे थर्ड चैप्टर नेम आ गया, इस तरीके से देखिए। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए सिक्स आ गया, यहाँ पे हमने सिक्स लिख रखा था, सिक्स आ गया। जैसे यहाँ पे अगर हम फाइव करेंगे, देखिए ये फाइव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। थोड़ा सा इसमें रिफ्रेश में टाइम लेगा। अब देखिएगा ये यहाँ से डाटा उठा रहा है, ऑटोमेटिक ये फाइव हो जाएगा, देखो ये फाइव हो गया। इस तरीके से अगर देखिए यहाँ पे कोई चैप्टर नेम नहीं है, अगर हम यहाँ पे चैप्टर नेम डालते हैं, जैसे हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये थर्ड आ रहा है, क्योंकि थर्ड कहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है। अगर यहाँ पे हमने चैप्टर नया बना दिया और यहाँ पे लिख दिया फोर, तो यहाँ पे हमने फोर लिख देंगे तो ये हो जाएगा फोर। देखिएगा अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये देखिए फोर का फोर यहाँ से डाटा ले लिया। तो ऑटोमेटिक यहाँ से आपका डाटा उठा लेगा, आपको मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पेज डिलीट हो या कुछ भी हो तो इसकी आपकी टेंशन नहीं है। तो ये इसका फ़ायदा है, इसको आप यूज कीजिए। इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कैसे ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग से आप इंडेक्स बना सकते हैं।
इंडेक्स पेज आप ऐसे बनाएंगे जिसमें पेज नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको मैनुअली पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, उसको टेबल ऑफ कंटेंट भी कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।